हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रिया विकास सिंह हाई। सो आज मैं आपके लिए एक हॉल वीडियो लेके आई हूँ। सो बेसिकली अभी सेल चल रही है, एंड ऑफ सीजन सेल, ज़ारा पे, H&M पे, नेक्स्ट पे, सब पे सेल चल रही है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी जो मैंने सेल में अभी कुछ चीज़ें ली हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मैंने ज़ारा से कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था और नेक्स्ट से कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था जो मैंने ऑब्वियसली क्लिक एंड कलेक्ट में कलेक्ट किया था। सो ये ज़ारा से क्या आया था पहले मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने नेक्स्ट से क्या लिया फिर ज़ारा से दिखाऊंगी क्या लिया। तो नेक्स्ट से मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया, बेसिकली नेक्स्ट से कीकी के लिए ही लिया है मैंने। सो मैंने नेक्स्ट से ये स्वेटर लिया जो कि बहुत प्रिटी लग रही थी मुझे। सो उसकी स्लीव्स ऐसी है ये, तो ये मैंने कीकी के लिए स्वेटर ली है। जो लोग मेरा वीडियो पहले देख रहे होंगे, कीकी मेरी बेटी है, क्योंकि मैंने इस चैनल पर बहुत टाइम से कोई वीडियो नहीं डाला। अगर आपको मेरी लाइफ की अपडेट जाननी है तो आप प्रिया विकास ब्लॉग्स पे जाके देख सकते हो। सो बेसिकली वो सब तो ठीक है। सो एक ये कैप लिया जो कि मुझे बहुत प्रिटी लगा था, आजकल मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है। सो ये दोनों चीज़ें मैंने कीकी के लिए ली थी। इसमें भी कीकी के लिए काफ़ी सामान है, तो आप सोचेंगे ये मेरा हॉल है या कीकी का। सो आजकल मैं बेसिकली अपने लिए चीज़ें खरीदती हूँ, उतनी ही चीज़ें कीकी के लिए भी खरीदती हूँ। सो पहले मैंने एक्चुअली दिखा देती हूँ मैंने कियाना के लिए क्या लिया है कीकी के लिए। सो मैंने उसके लिए बेसिकली शूज़ ही मंगाए हैं सारे। सो फर्स्ट शूज़ मैंने ये मंगाया है जो कि बहुत प्रिटी लगा मुझे। सो ये पर थोड़ा सा बड़ी साइज़ में आ गया है, तो देखो अगर एक्सचेंज हो जाएगा तो मैं उसको छोटे साइज़ में ले लूँगी, तो ये थोड़ा बड़ी साइज़ में आ गया, बट ये बहुत प्रिटी लग रहा है लुक। सो इसके पहले भी उसके पास एक शूज़ है ज़ारा के जो कि बहुत अच्छे निकले थे, दैट्स व्हाई मैंने एक और लिया। उसके अलावा मैंने बूट्स मंगाए हैं उसके लिए। सो ये हैं बूट्स, ये थोड़े से हैवी हैं बेबीज़ के लिए, लाइक वो 2 ईयर ओल्ड है तो उसके लिए मुझे थोड़े से हैवी लगे, बट ये हैं बहुत ज़्यादा प्रिटी, देखने में लुक्स वाइज बहुत अच्छे हैं। अगर बहुत ज़्यादा वॉक नहीं करना हो तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। सो ये मैंने कीकी के लिए लिया। और इसके अलावा मैंने एक और बूट्स लिए हैं उसके लिए, ये हैं वो बूट्स, ये लुक एट दिस बूट्स, ये भी थोड़े से बिग हैं उसके लिए अभी। सो देखते हैं ये मैं रखूंगी या नहीं रखूंगी ये वाले, क्योंकि ये थोड़े से उसके लिए बड़े हैं, बट ये लग बहुत अच्छे रहे हैं। और ये मुझे तीनों शूज़ आई थिंक 12.99 में मिले हैं। सो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इनकी, सो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल गए थे, तो ये मैंने शूज़ लिए हैं। सो ये था कीकी का। इसके अलावा जो लिया है वो मैंने अपने लिए लिया है। सो मैंने अपने लिए क्या लिया है वो मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने एक ब्लैक बेसिक रिब्ड वाला टॉप लिया है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। ये उल्टे रखे क्योंकि मैं ऑलरेडी पार्सल ओपन कर चुकी थी। सो दिस इज़ लाइक दैट। सो ये है, ये मुझे आई थिंक ये मुझे 6 या 7 pound में मिला है। सो ये कुछ इस तरीके से है, ठीक ठीक लग रहा था मुझे, फिटिंग उतनी अच्छी नहीं आई इसकी, देखो मैं इसको रखती हूँ या नहीं रखती। उसके अलावा मैंने एक क्रॉप टॉप भी लिया है वाइट कलर का, दिस लुक्स प्रिटी, बट ये मेरे लिए बहुत बड़ा है साइज़ में, एंड उतना अच्छा भी इसकी फिटिंग नहीं आई मेरे ऊपर, तो मैंने इसको मैं रिटर्न कर दूंगी। बट अगर आप आई डोंट नो इसके बारे में मैं क्या फीलिंग बोलूँ, इसकी फिटिंग थोड़ी अजीब सी है, तो इतने अच्छे से फिट नहीं आया मुझे। सो ये मैं नहीं रखूँगी, ये डेफिनेटली वापस जाएगा। और इसमें मैंने मीडियम साइज़ लिया था जो कि मुझे पता नहीं क्यों बिगा रहा है, क्योंकि अब मुझे मीडियम साइज़ आता है, पहले मैं स्मॉल साइज़ पहनती थी, अब मैं मीडियम पहनती हूँ। फिर मैंने ये टी शर्ट्स टाइप ली थी टॉप, ये ब्लैक कलर का है और एक ये वाइट कलर का है। सो ये आई डोंट नो कि ये वाइट कलर का क्यों इतना अजीब सा कलर आया है, लाइक पता नहीं कैमरे पे दिख रहा है या नहीं, बट ये ब्लू कलर दिख रहा है, लाइक इसमें हल्के सा, जैसे हम नॉर्मली वाइट कपड़े में पहले मम्मी लोग नील डाल देती थी ना, तो अजीब से वाइट ब्लू हो जाते थे, वो ऐसा कलर है इसका। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो ये तो वापस करूँगी मैं, इसका ब्लैक वाला मैं रख लूँगी। तो ये कभी कभी जैकेट्स के अंदर पहनने के लिए अच्छा लगता है। और एक मैंने बॉडी सूट लिया है, बट इसकी फिटिंग बहुत अजीब आई है, ये है वो, और ये मुझे आई थिंक 7 pound में मिला है, बट इसकी फिटिंग अच्छी नहीं आई, तो ये भी रिटर्न में जाएगा। और ये वाले जो टॉप है ना वाइट ब्लैक लिए थे, ये आई थिंक 12 pound के हैं, जो कि डिसेंट प्राइस है। तो इन सब में मुझे सबसे अच्छा जो लगा है वो है ये मेरी हाई नेक स्वेटर। ये मैंने ट्राई करके देखी थी कि ये मुझे अच्छे से आती है या नहीं, बट ये बहुत 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 प्रिटी लग रही है। मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ, ये हाई नेक स्वेटर है, वॉर्म भी है और बहुत प्रिटी लग रही है। सो ये लाइक ये कलर है इसका, ये इसकी फिटिंग है, ये इसकी हाई नेक है, मैं इसे करके दिखा देती हूँ, और ये बहुत अच्छी लग रही है।
ये भी जैकेट्स के नीचे पहनने के लिए थोड़ी सी वॉर्म पतली अच्छी लगती है, सो ये मैं डेफिनेटली अपने पास रखूँगी। सो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। सो बस मैंने इतना ही ऑर्डर किया, इस बार कोई ड्रेस वगैरह नहीं ली मैंने, बस मैंने यही चीज़ें ऑर्डर करी थी। सो आगे मैं आपके लिए और भी बहुत सारे हॉल वीडियो लेके आने वाली हूँ, क्योंकि मैं अभी इंडिया से वापस आई हूँ। सो मैं इंडिया से बहुत सारी इस बार शॉपिंग करके आई हूँ, स्पेशली एथनिक वेयर। सो जल्द ही उसके वीडियोज़ भी आपको जल्दी देखने मिलेंगे। फिलहाल अभी आप इसी से काम चलेंगे, क्योंकि अभी अभी सेल आई है, आपको भी ये सारी चीज़ें सेल में मिल सकती हैं अगर आपको इनमें से कुछ अच्छा लगो। आई थिंक बच्चों के लिए, बेबीज़ के लिए आप शूज़ ज़रूर देख सकते हो, काफ़ी अच्छे शूज़ उनके पास। सो ये मेरा था हॉल, आई होप आपको पसंद आएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।